भारत ने अपने बड़े बड़े तोप बॉर्डर पर लाने शुरू कर दिए। भारतीय सेना युद्ध की तैयारी में है। आखिर चीन का मीडिया तवांग में हुए झड़प के बारे में क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा? तवांग में हुए झड़प में कितने चीनी सैनिकों को चोटें आई हैं? तवांग में भारत और चीन के बीच झड़प के पीछे अमेरिका का हाथ है। ये कुछ कॉमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर आए हैं, चीन के सोशल मीडिया पर वहां के लोगों की ओर से। जैसा कि हम सब जानते हैं, 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों को चोट आई थी। भारत की ओर से इस घटना पर तमाम प्रतिक्रिया आई, जनता की ओर से भी और नेताओं अधिकारियों की ओर से भी। लेकिन चीन की जनता इस पूरे मसले पर क्या कह रही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन में मीडिया की आजादी जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, और इस तरह की संवेदनशील घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया को CCP से पहले अनुमति लेनी पड़ती है और अप्रूव्ड स्क्रिप्ट लेनी पड़ती है, यानी जो पार्टी या सरकार की ओर से जो भी बताया जाएगा वही छाप दिया जाता है। चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें अपने देश की खबर के लिए दूसरे देशों की मीडिया पर निर्भर होना पड़ता है। एक यूजर ने लिखा, मुझे इस झड़प की परवाह नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आखिर क्यों हमारी मीडिया इन घटनाओं को पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट नहीं करती। आखिर क्यों हमारी मीडिया इंतजार करती है कि पहले विदेशी मीडिया इस पर रिपोर्ट करे। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हमारी मीडिया जिनपिंग से ओ लीडर, क्या हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम इसे किस तरीके से रिपोर्ट करें, ये कहती है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए युद्ध बहुत जरूरी है। एक यूजर ने लिखा, भारत और चीन के बीच युद्ध होना तय है, हम युद्ध टाल नहीं सकते, यकीनन भारत ने चीन की कमजोरियों को पहचान लिया है। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि भारत ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए इन्होंने लिखा, चीन के खिलाफ युद्ध के लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है। भारतीय सेना टाट्रा 8x8 ट्रक्स का इस्तेमाल, K9 वज्र T-52 कैलिबर 155mm सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर तोप को बॉर्डर पर लाने के लिए कर रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये जनरल्स और सोल्जर्स को बेहतर तरीके से लड़ने के लिए तैयार करने का समय है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये साफ है कि चाइनीज सोल्जर्स को काफी चोटें आई हैं, ये भारतीय सेना को नहीं हरा सकते। चाइनीज आर्मी में सैनिक भर्ती होते हैं ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके और पैसे कमा सके। एक यूजर ने तो बिंदुवार सलाह देते हुए लिखा, चीन को इसे अवसर की तरह लेना चाहिए और अपने सभी नए डेवलप मिलिट्री इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर लेना चाहिए। लगातार भारतीय पावर प्लांट्स पर हमला करना चाहिए ताकि भारत का ग्रोथ रुक जाए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि ये देश के आंतरिक मुद्दों और समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की रणनीति हो सकती है। एक यूजर ने लिखा, हर बार जब महामारी आती है तब हम इसी तरह से करते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, क्या हम एक बार फिर से महामारी का फायदा उठा रहे हैं? कुछ सोशल मीडिया यूजर्स साजिशों की अलग अलग थियोरी लेकर भी आए। एक यूजर ने कहा, जिस जगह पर झड़प हुई रशियन मीडिया उसे अरुणाचल प्रदेश बता रहा है, ना कि साउथ तिब्बत। रशियन मीडिया चीन और रूस के दोस्ताना संबंधों में दरार डालना चाहता है। एक यूजर ने तो अफगानिस्तान में हुई घटना को भी भारत से जोड़ दिया, इंडिया ने बॉर्डर पर हमारे ऊपर अटैक किया, उधर अफगानिस्तान में चीन के एक होटल पर भी अटैक हुआ, निश्चित तौर पर भारत हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरे यूजर ने भारत के पीछे अमेरिका का हाथ बताया और कहा कि ये चीन को भड़काने की कोशिश है। तो ये थी चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया। चीन की सोशल मीडिया से ये सारी जानकारी इंडिया टुडे के लिए लेकर आए थे साई किरण कर्णन। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।